देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। स्मॉग की चादर चारों तरफ फैली नजर आ रही है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बहादुरगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 404 के पार पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि तो वहीं राई, दिल्ली और बहादुरगढ़ की भी ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां एक तरफ लगातार नियमों को लागू किया जा रहा है तो वहीं लोग भी इन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। राई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां नियमों के अनुसार कूड़ा जलाने, पराली जलाने और आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी लोगों ने कई जगहों पर कूड़ा जलाया। दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दिवाली के बाद से ही लगातार प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। बहादुरगढ़ की भी तस्वीरें अब सामने आ रही है, जहां पर खुले में लोग कूड़ा जला रहे हैं और ऐसे में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हवा जहरीली हो चुकी है और लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस बच्चे को, किस बुजुर्ग को, किस बीमार को शरीर पे क्या असर हो रहा है। हम लोग एक गैस चैम्बर में जी रहे हैं। पूरा राई हल्का, पूरा सोनीपत जिला यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, चारों तरफ फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। मैं महासचिव सरपंच एसोसिएशन हूँ, हमें चारों तरफ लोगों के साथ आना जाना, चारों तरफ आना जाना पड़ता है। यहाँ बच्चों का, बुजुर्गों का, बीमार आदमियों का बहुत ही बुरा हाल है, सांस लेना दुभर हो गया है। जो है चारों तरफ आप देख रहे हुए बिल्कुल धुंध का माहौल हो रहा है और ये सारा पोल्यूशन ही है जो हमारा इंडस्ट्री एरिया हमारा साथ लगता है, जिसमें काफी वेस्टेज हमारे साथ खाली पड़ी जमीन में डाल देते हैं, उनमें आग लगा देते हैं और उसका ये धुआं चारों तरफ फैल जाता है और यहाँ सांस लेने में भी मतलब मान लो कि कोई बीमार आदमी या बुजुर्ग है उसका तो यहाँ जीना दूभर हो रहा है बिल्कुल। नहीं, दिल्ली में तो पराली नहीं जल रही है। दिल्ली में तो लगभग हम 3000 के लगभग 3000 एकड़ में छिड़काव का काम पूरा हो चुका है, बाकी जगह चल रहा है और उसको हम नियंत्रित करेंगे। बाहर से कुछ खबरें आ रही हैं? बाहर के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि सभी राज्यों को मिलकर के अब इस पे चर्चा करने की जरूरत है कि इस समय क्या किया जाए। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि ये अब समस्या दिल्ली की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की है और उत्तर भारत के सभी मंत्रियों के साथ बैठ करके इस पर जो है अब अपनी कार्ययोजना बनाने की जरूरत है। जो जो करना है हम कर रहे हैं, लेकिन अब आगे और क्या किया जाए, एक सामूहिक निर्णय के साथ ही काम किया जाएगा तो इसका असर होगा।